नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में दशमांश कुंडली के बारे में जानेंगे। दशमांश कुंडली को D10 कुंडली भी कहा जाता है। दशमांश कुंडली का उपयोग व्यवसाय में उन्नति, प्रतिष्ठा, सम्मान और आजीविका में बढ़ोतरी, समाज में सफलता प्राप्त करने इत्यादि को देखने के लिए किया जाता है। दशमांश कुंडली की विवेचन भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है जैसे लग्न या नवमांश कुंडली की। इसी कुंडली में दशम भाव दशमेश का सर्वाधिक महत्व होता है। इसके साथ ही दशमांश से माता पिता के सुख दुख एवं आयु का भी विचार किया जाता है। दशमांश कुंडली को 10 भागों में बांटा गया है। पहला दशमांश इंद्र दशमांश। पहला दशमांश 0 से 3 डिग्री का होता है। यह इंद्र दशमांश कहलाता है। यह धन संपन्नता मान सम्मान का सूचक होता है। जैसे इंद्र देव सभी देवों में अग्रिम स्थान प्राप्त करते हैं तथा वैभव एवं सम्मान से युक्त होते हैं, उसी प्रकार जब दशम भाव या दशमेश का संबंध इंद्र दशमांश से बनता है तो व्यक्ति भी उसी की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। दूसरा दशमांश 3 से 6 डिग्री तक होता है। दूसरा दशमांश को अग्नि दशमांश भी कहा जाता है। यह दशमांश पराक्रम और साहस में वृद्धि करने वाला होता है। यदि दशम भाव या दशमेश अग्नि दशमांश में पड़े हो तो व्यक्ति में अग्नि तत्व गुणों की अधिकता हो सकती है। ऐसे जातक अपनी शक्ति एवं बल द्वारा धन अर्जन करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यक्ति को ऊर्जावान क्षेत्रों में व्यवसाय की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा दशमांश 6 से 9 डिग्री का होता है। तीसरे दशमांश को यम दशमांश भी कहा जाता है। इस यम दशमांश के कारण व्यक्ति में न्याय संगत गुण एवं कार्य कुशलता आती है। अगर दशम भाव या दशमेश इस यम दशमांश में आते हैं तो जातक में अपने कार्य को उचित प्रकार से करने के गुण एवं नेतृत्व की भावना भी आ सकती है। व्यक्ति में लोगों के प्रति सही निर्देश देने की क्षमता भी बन पाती है। चौथा दशमांश 9 से 12 डिग्री का होता है। इस दशमांश को राक्षस दशमांश कहा जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति में अवैधानिक कार्यों को करने की इच्छा या नीति से हटकर काम करने की इच्छा देखी जा सकती है। यदि दशम भाव या दशमेश इस राक्षस दशमांश में हो तो व्यक्ति सही और गलत को भूलकर कार्य करने वाला हो सकता है। इससे जातक चोरी तस्करी रिश्वतखोर या ऐसी की गलत काम करने वाले हो सकते हैं। पांचवा दशमांश 12 से 15 डिग्री तक होता है। इस दशमांश को वरुण भी कहा जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति जल से संबंधित कार्य करने वाला होता है। दशमांश का संबंध यदि दशम भाव से या दशमेश से हो तो व्यक्ति जल व्यापार कर सकता है, जैसे कि नौकायन या पानी के जहाज में कार्य करने वाला हो सकता है। अर्थात पानी से जुड़े जो भी व्यवसाय या काम आते हैं वह उस व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। छठा दशमांश 15 से 18 डिग्री तक होता है। इस दशमांश को वायु दशमांश भी कहा जाता है। इसका संबंध यदि दशमेश या दशम भाव से होता है तो व्यक्ति वायु संबंधित कार्यों से धन अर्जन करता है। इस दशमांश के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति दूरसंचार संबंधित कार्य या परिवहन सेवा पायलट जैसी कार्यों से जुड़ा हो सकता है। सातवां दशमांश 18 से 21 डिग्री का होता है। इस दशमांश को कुबेर दशमांश कहा जाता है। इस दशमांश का संबंध यदि दशम भाव या दशमेश से हो तो व्यक्ति धन संपदा से युक्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति का व्यवसाय धन के लेन देन से संबंधित कार्यों से अधिक हो सकता है, जैसे
कैशियर, बैंक कर्मचारी, फाइनेंस सलाहकार इत्यादि। आठवां दशमांश, आठवां दशमांश 21 से 24 डिग्री तक होता है। अष्टम दशमांश को ईशान के नाम से भी जाना जाता है। दशम भाव या दशमेश का योग या युति अष्टम दशमांश से हो तो जातक उदार एवं धीरे गंभीर स्वभाव वाला हो सकता है। इससे प्रभावित होने पर व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को इच्छा प्रकार से करने, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने वाला होता है। इसका संबंध बनाने पर व्यक्ति राजा सरीखे पद की प्राप्ति भी कर सकता है तथा वह समाज सुधारक या प्रबंधक जैसे कामों को भी अपना सकता है। नौवां दशमांश, नौवां दशमांश 24 से 27 डिग्री तक होता है। नवम दशमांश को पद्मज कहते हैं। यदि दशमांश का संबंध पद्मज से बने तो व्यक्ति अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला हो सकता है। इससे प्रभावित होने पर व्यक्ति रचनात्मक कार्य को करने में रुचि रखने वाला हो सकता है। जातक में विद्वता के गुण आ सकते हैं। व्यक्ति समाज के हित एवं जन कल्याण संबंधित कार्य को करने में इच्छा रख सकता है। दसवां दशमांश, दसवां दशमांश 27 से 30 डिग्री तक होता है। दशम दशमांश को अननद नाम से भी जाना जाता है। यदि दशम भाव या दशमेश इस दशमांश से कोई योग बनाते हो तो व्यक्ति के भीतर अथक परिश्रम एवं अनवरण प्रयास करने की इच्छा देखी जा सकती है। इससे प्रभावित होने पर जातक में लगातार कार्य करने की चाह उत्पन्न रहती है और इसका यह कार्य से समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करा सकता है।